हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मुझे पता है कि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि कब अनबॉक्सिंग होगा। तो गाइस, इसमें अनबॉक्सिंग तो पूरा नहीं, पर आपको एक झलक जरूर दिखाएंगे जो कि मिला है हमारे प्यारे से यूट्यूबर जो कि हैं रुद्र पूजा। रुद्र भाई और पूजा भाभी की तरफ से मिला है, और उनका इसलिए ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि दो भाई या दो दोस्त बोलें कि एकदम बिछड़े हुए लग रहे थे, जो एक छत के नीचे मम्मी जैसे बोली थी कि जरूर मैं पूरा करूँगी। रुद्र हम लोग के पास के हैं और आ गए यहाँ, बहुत अच्छा लगा। वैसे हम शादी में भी इन्वाइट किए थे उनको, तो चलिए कोई बात नहीं है, दूरा है दुरुस्त है, यहाँ पर आ गए, अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। और पूजा भी आई, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत कुछ ने लोगों ने कुछ दिए हैं, लेकिन उसको हम लोग दिखाएंगे। सचिन का भी ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए, लेकिन हम लोग भी दिखाएंगे आप लोग को। चलिए वो सब तो ठीक है, अब आप लोगों को हम गिफ्ट तो दिखा देते हैं। पर गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉयमेंट किए। अगर आप देख रहे होंगे वीडियो भाभी, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये गिफ्ट, सबसे पहला गिफ्ट हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जो कि है हमारे भाभी का रुद्र पूजा, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला गिफ्ट का जो अनबॉक्सिंग हो रहा है वो यहाँ पे है, और इसके अंदर क्या है आप लोग गेस कर सकते हैं? हाँ। चलिए, और गेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसको ओपन किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कितना प्यारा ये थैला में दी है, तो गिफ्ट भी प्यारा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का है इसका डब्बा, और इस डब्बा के अंदर यहाँ देखिए ये देख सकते हैं आप लोग, रिंग है। वाओ, तो थैंक यू पूजा। चलिए गाइस, अब आपको दिखाते हैं कि क्या गिफ्ट। ये तो गिफ्ट था, अब हमारी मम्मी भी जाने वाली हैं और भैया भी जाने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ सामान मम्मी अपने तरफ से अभी मार्केट से लेके आई हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो और बहुत लोगों को जाना था, पर कहानी में आ गया है कसम का ट्विस्ट, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, अब वो पल भी आ चुका है जो जाने वाले हैं लोग, कि हमारी सासू मम्मी रंजना की मम्मी, सासू माँ मेरी माँ। रंजना के मम्मी क्यों बोल रहे हो? हाँ। मम्मी बोलो। हाँ मम्मी जी, तब तू बोलेगी हमको तो अच्छा लगेगा, तुमको आप ही निकल जाएंगी। शादी हुई है, थोड़ा सा वो हो रहा है ना। नहीं मम्मी जी जाने वाली है मेरी। हाँ, ऐसे बोलो। ये मम्मी जी नहीं, ये मम्मी है। और यहाँ पे भैया भी जाएंगे। आप एक जसोदा अथी हो गई, क्या बोलते हैं, जसोदा भैया नो, जसोदा और रुकैया रुकैया बेगम नहीं, दो माँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तुम्हारा भाग अच्छा है कि दोनों जिंदा है लोग, ना तो जीजू के ले लो, हम ही एगो है उनके लिए, उनकी मम्मी नहीं है, ये सब सौभाग्य की बात होती है। चलिए गाइस, अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कौन सा कपड़ा देने वाली है मेरी प्यारी सी साली के लिए, जो कि अंजू है, जिसको आप लोग बहुत कम देखे होंगे इस पूरे वीडियो में, जैसे नाम आता है वो गायब हो जाती है। तो कौन सा कपड़ा है मम्मी दिखाइए? ये बैग भी है क्या? और वो जीन, वो कपड़ा है उनका, दिखा ना सब। और ये कपड़ा इसके अंदर है जो कि हमारे भैया के पास, वो ऐसा का भाई, ये वो तो भाई बड़ा तन्ना दिए ही। कौन बात नहीं बढ़ जाएगा।
बड़ी ठंड है बाहर, कॉपी एकदम मैंने ला दे रहा है ठंड। चुप कराई चुप कराई का साथ याद दिला रहा है। नहीं उस दिन भी दिला रहा है। छोड़ दे रहे दी। अरे नहीं मम्मी दिलाने दी ना। ना तब ना तो लोग ऐसे तो ना रखाई। ना ही ऐसे तो ना हो सकेला। ठीक है वेलकम बैक टू प्रिंस रंजना ब्लॉग, प्रिंस मॉम ब्लॉग, यही है ना। हाँ तो हम लोग अब जा रहे प्रिंस रंजना ब्लॉग। आप क्यों नहीं खा ऐसे चाय क्यों नहीं पी रही है पहले? अगर मैं चाय जब भी पियो ना उसके पहले कुछ भी खा लो, बिस्किट खा लो, नमकीन खा लो, लेकिन पानी पी कर तभी चाय पीना चाहिए, पेट में बन जाती है गैस। पहले खा लेंगे तो मेरे को प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं बोली गैस बन जाती है, गैस बनेगा पेट फट जाएगा। देखो छीटा चाय भी लेकर आ गई। ओ भाई मेरी प्यारी भविया बन गई है दुल्हनी है कि देखी ना चाय के जैसा मूवी बनाई है और पूरे चाय के जैसी लग रही है। चाय हम पीते नहीं, चैनल का खत्म हो गया है, नहीं डाल पाए हो तो हम जब छोटो में ला रहे अभी कम हम चाय को अभी पीते नहीं है, अभी लेके आ रहे हैं, अभी है चाय बहुत है, चाय नहीं पीते हैं पर आप बनाई है तो पिएंगे। चाय बढ़िया बना है और किट्टो रानी ने चाय बना के गर्मा गर्म पिला दी। मम्मी से पूछ के पीजिए भाई, कपड़ा डाल दीजिए, दो नहाए पूते फले। अरे गुड न्यूज और अब हाँ बैठी बैठी जोड़ा लगा दे उसका, एक बेटी आ जाए। रखो रखो इसे भी, एक बेटा एक बेटी जरूरी होता है दोनों। और ढार दो चाय, सब लोग चाय पी रहे हैं यहाँ। डीके भाई का अलग ही स्वैग है, चाय के साथ मीठा खोल लेता पूरा मिठाई का डब्बा लेके वस्त्र ले रहे हैं चुस्की। देख लीजिए सब लोग चाय खाली पी रहे हैं और ये पूरा मिठाई का डब्बा लेके पीता है। खूब कुरकुर लगता है ठंडा। हाँ भाई अच्छा लगता है कुरकुर कुरकुर उसे बनाई है, ठंडा भी है तो कुरकुर कर रहा है। तो यहाँ पे फाइनल जा रही हूँ। ये इतनी छोटी सी मम्मी पहनती है, एक मम्मी का भी चप्पल, वो वाला है चप्पल मम्मी का। अच्छा हमारा जैकेट मिलेगा पिंक कलर का तो रख लीजिएगा, मिला नहीं। रो रही है, कौन रो रहा है? भूखा रोएगी। खुश रहिए खुश रहिए, गले मिलाकर भाई बहन लोग साफ सब। तो फाइनली वंदना दीदी आप लोग देख सकते हैं इधर में, आप लोग देख सकते हैं वंदना दीदी जा रही है, सबको आई थी हंसाते। क्या रोना है, जाना तो हो तो क्यों रो कर जाना। सबको आई थी हंसाते और जा भी रही है हंसाते, तो फिर वीडियो कैसे चलेगा। चलिए गाइस, तो भाभी आपका आंसू नहीं आ रहा है, मेरा आंसू इतना रोई है ना सुबह से कल रात से, बोली जाओ यहाँ से। क्या मेरा बाल भी पीछे पड़ा है बेटा? और आप बता दीजिए कि अब हम लोग कब मिलने वाले हैं? मिलने वाले हैं अभी मेरे बाबू के बर्थडे पर। कितने तारीख को? 7 तारीख को। गाइस 7 तारीख का इंतजार कीजिए, अब उस दिन होगा धमाल, बहुत सारा इवेंट है जो कि आप लोगों को मिलेगा भाभी के चैनल पे देखने को। हाँ मेरे हमारी चहेती आप लोग के भी चैनल पे मिलेगा, हमारी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे चैनल पे ही दिखेगा, हमारी चहेती चहेती सबसे प्यारी। पता ना तुमसे क्यों लड़ते रहता है ये? अच्छा है ना, कोई तो है ना कम से कम लड़ता है। वो कहा एक दिन रो रही थी, एक दिन रो रही थी कि हमारे कोई देवर नहीं है, मिल गया सबके लिए। तो गाइस फाइनली स्वाति भाभी आप भी जा रही हैं, आप आइएगा भैया बिटावा, आंटी आइएगा बिटावा में आएंगे एकदम ईटा लेके। हाँ, घर इस बार बनवा के रहेंगे, राम मंदिर बन गया अब घर बनेगा भाभी का ना, राम मंदिर बन गया अब घर बनवाएंगे इटावा में भाभी का, ईटा लेके आएंगे और शस्त्र आ चुका है जो आपने बताया था। नहीं भाई बताओ बहुत जल्दी, इसीलिए कभी भी कोई भी इनवाइट करे चलो भाई देखो आदमी कैसा है, देख के वीडियो में लगता होगा कैसा हुआ कैसा। आंटी के बारे में कुछ बोलिए, आंटी जी बहुत स्वीट है और मेरे को मतलब आंटी के अंदर अपनी मम्मी दिख रही है सच बताओ। थैंक यू, ये मेरा बस रोना मत, मेरी मम्मी रोने लग जाती है, मेरी मम्मी रोने लग जाती है। और आप भी जब भी सिवाना आ मेरे घर, अयोध्या चलेगी ना तो चलेगी। हाँ उधर घूमने आना है तो
बहुत अच्छा लगा ना। अब मैं तो कह रही अभी तो सब साथ में चलते हैं। हाँ हम बोले ना कि सिवान आइए और तब सब लोग साथ चलेंगे। हाँ मिलेंगे ना तो एक ही बार प्लान करके सही में मिलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत भीड़ होगा ना, है ना? मेरा भी शूट कर दो पति अब हम लोग जा रहे हैं। चलिए सॉरी जरूर आइएगा दिल्ली। मनीषा बहुत ज्यादा दिल्ली आइए, मेरे घर आइए। दिल्ली आएंगे तभी तो मेरे घर आएंगे। और क्या, वो भी सोचेंगे बोलेंगे भैया दिल्ली आने के लिए बोला था सिर्फ उन्होंने, घर आने के लिए नहीं बोला था। हम सिवान आएंगे, जरूर आएंगे। चल रहे हम लोग सब लोग, तुम कहाँ जा रही हो? हम लोग जा रहे हैं। देखिए कैमरा मैन फोकस करो, घर की नींद उड़ान आ रही है। अच्छा लगा, दबा दबा के आशीर्वाद दे रही है। जाइए घूमने फिरने एंजॉय करिए। अरे भैया कितने बार छोड़ते हैं? आप भी जा रहे हैं के साथ? क्यूट क्यूट छवि भी लिख के आना, अभी नहीं पर एंजॉय कर लो। आपको बहुत क्यूट है। गरम है नहीं, गरम है भाई, गरम रहती है। चलो तो अरे जल्दी से कुछ कबरी दीजिए, ट्विंस दीजिएगा। तुम लोग नहीं सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही तीनों गले मिल धागों से बांधा ऐसा सी दिल की, उधर नहीं देखेंगे। मैं कैमरा शूट कर रही हूं। तो गाइस विदाई की घड़ी आ चुकी है, मैंने कहा ये तो मेरे जैसे लग रहा है, मैंने कहा ये तो अपने बच्चे जैसे लग रहा है। देखो देखो देखो, वाह वाह वाह, चलो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं जाना पड़ेगा।